पूरे देश में हत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ही एक हत्या की खबर आई है पानीपत के ददलाना की, जहां बदमाशों ने रिफाइनरी सुपरवाइजर की घर में घुसकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले उसी गांव के दो युवक और उनके कुछ साथी थे, जिनकी सुपरवाइजर के साथ गाड़ी के ठेके को लेकर तनातनी चल रही थी। हमले में तीन लोग घायल हुए, जिनको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वारदात के बाद DSP मातलोड़ा थाने पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ साथ चलिए जानते हैं कि मृतक के भाई यशपाल का इस पर क्या कहना है। छोटा मोटा काम कर रहे थे, जो कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन कंपनियां, ये गुंडे हायर करके रखती है अपने पास, उन गुंडों को छोटा मोटा काम दे देती है, पिछले लोगों को पैसे नहीं देती, अगले लोगों को हायर कर लेती है। हायर करके वैसे भी उन्होंने हायर कर रखे थे, दो चार गुंडे हैं हमारे गांव के, मेरे घर पाए, मेरे लड़के को चक्कू मारे सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरे भतीजे को, मेरे भाई को, चार आदमी हमारे परिवार में थे, तो मेरा साला है, उनको चारों को चक्कू मार के और घायल करके एक मौके पर ही मर गया। हमने इस बारे में रिफाइनरी के प्रशासन को भी बताया, भैया ये कंपनी है ना, गुंडों को पाल रखा है इन्होंने, यही में कोई शर्म नहीं आती। उससे पहले भी कई काफ़ी लोग पकड़े गए, 15-16 लोग ये गुंडे जो पकड़े गए, ये अब तो वसूली करते हैं रिफाइनरी में। इस तरह के हालात भाई सब हुए हैं, ये काफ़ी लोग थे जो मारने वाले थे, किसी के पास चक्कू था, किसी के पास राड थी, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास कुछ था, जो जो हमारे परिवार का आदमी आता रहा और उनको मारते रहे और घायल करते रहे, वहाँ खून की नदियाँ बह गई, इतना बुरी तरह जख्म हुई। गाँव के लोगों ने उठाए और उठा करके प्रेम हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं ऐसी स्थिति में था नहीं कि मैं उठा कर ले आऊँ, गांव के परिवार के लोग वहाँ ले आए, एक जना मेरे भाई है ताऊ का लड़का सगे, वो मौके पर एक्सपायर हो गया, डॉक्टर ने मेरे को किस किस के नाम लिखवाए ये आपने जो इस मर्डर वाले मामले में किसने? भाई साहब इसमें एक तो है बंटी बंटी करके है, उसका दूसरा नाम भी है पता नहीं क्या है, क्या नाम है, साहिल, एक है बिरजू, इनके दोनों के परिवार हैं, वो आसपास ही खड़े थे पीटने वाले, हमारे को तो मैं पीटते रहे और हमारे को चक्कू मारते रहे। भतीजा आपका रिफाइनरी में ठेके का काम करता था क्या? नहीं, मेरा लड़का करता था ठेके का काम। हाँ, किस चीज़ का ठेका ले रखा था? गाड़ियाँ गुड़ियाँ लगा रखी थी, छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन जब कंपनी ने नहीं पैसे पूछे दिए, कंपनी छोड़ दी तो कंपनी ने पैसे देने थे, कंपनी ने इन गुंडों को हायर कर लिया। गुंडे आकर के बोले कि आप कोई पैसा पूसा नहीं देना, ना हम पैसे देते आपको। कंपनी का नाम क्या था जी? जो कंपनी थी का नाम था शिल्पी इंजीनियरिंग कंपनी है। उनके बंदे आए थे? हाँ, इनका स्टाफ भी सारा बैठ गया। ये है ना, सबसे ज़्यादा इनका रोल है मरवाड़े में, सबसे ज़्यादा रोल इनका यू है, अकीनों ने इनको गुंडों को बनाकर भेजा हमारे पास, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुआ है। रिफाइनरी प्रशासन ने मैंने ED को 2-3 बार बोला, मगर ED साहब ये इस तरह के लोग हैं, ED साहब ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी मैंने ED साहब से बात करी, मैंने कहा करवा दिया हमारा तो नुकसान, तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ना ऐसे हुआ भाई साहब, हमारा सारा परिवार उजड़ गया। ठीक है, देखिए दो पक्षों का आपसी झगड़ा था, ठेकेदारी रिफाइनरी में ठेकेदारी को लेकर उनका दो पक्षों का झगड़ा था, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कल हमला कर दिया घर में आके, तो उसमें टोटल 4 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और 3 घायल हैं, जो डेड हो गया था उसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, FIR दर्ज कर दी गई है थाना मतलब, और अब टीमें गठित कर दी गई, जल्दी से जल्दी हम उनको गिरफ्तारियाँ करेंगे, 10-12 करीब 15 लोगों के नाम उसमें लिखवाई है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो जिन चीज़ का भी दोष उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। सर किससे हमला किया था और कहाँ के लोग थे सर, क्या काम करते घर में थे? घर में हमला किया था, लाठी जमाव से हमला किया था, जो लिखवाए हैं घातक हथियारों से हमला किया था, 4 लोगों को उसमें चुपे आए थे, एक ही सर काम क्या करते थे ये लोग, कौन सी ठेकेदारी? मैंने ठेकेदारी को लेके ही झगड़ा था, ठेकेदारी का।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।